चक्रवात मोजा तटीय हिस्सों से टकराया। 195 की रफ्तार से आया भीषण तूफान। भारत और बांग्लादेश में कैसा भयानक असर। कहां कहां जारी हुआ भारी बरसात का अलर्ट। बंगाल के पूर्वी मध्य खाड़ी के ऊपर एक बड़ा चक्रवात मंडराते हुए बड़े ही तेज वेग के साथ उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रहा है। इससे लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बेहद तेज हवाएं तटों से टकरानी शुरू हो गई हैं, जबकि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इसका जोरदार असर दिखाई दे सकता है, जबकि 24 परगना में इसका गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई गई है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड में हैं। आपको बता दें कि म्यांमार और बांग्लादेश में इसका भयानक असर दिखने लगा है। तटों से टकराने से पहले इस तूफान की तीव्रता 5वीं श्रेणी के जैसी हो गई थी। श्रेणी 5 के तूफान बेहद खतरनाक माने जाते हैं, जो भीषण तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। इसकी वजह से म्यांमार और बांग्लादेश में भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि हवा की अब तक की दर्ज अधिकतम रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई है। यहां पर प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। हालात बेकाबू होने की संभावना के चलते संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। भारत की बात करें तो यहां पर भी तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। पीक इंटेंसिटी विल बी अराउंड विंड स्पीड दैट इज पर्टिकुलरली अराउंड 150 टू 160 गस्टिंग अप टू 175 ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड द साइक्लोन विल लाइकली टू बी मेक लैंडफॉल एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अंडर इट्स इन्फ्लुएंस ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम डैमेज फॉर ओवर पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर्टिकुलर त्रिपुरा साउथ मिजोरम एंड मणिपुर दिस स्टेट्स लाइकली टू गेट सम अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑल्सो विंड स्पीड करेंटली द इनसाइड द सी इज अराउंड 125 टू 135 किलोमीटर फॉर आवर। Is there any warning for coastal Odisha? You know, there is no chance of for warning for coastal Odisha, but for fishing activity, particularly fishermen, small boats and trawler that is entering into deep sea area, they warn not to venture into this region, particularly Andaman Sea region, southeast Bay of Bengal, and central Bay of Bengal, west central, adjoining east central Bay of Bengal till 14th, till they have to wait for further information during the 14th. इसे लेकर WMO के प्रवक्ता क्लेयर नूलिस ने जिनेवा में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बेहद खतरनाक चक्रवात है, जिसकी तेज रफ्तार वाली हवाएं विनाशक दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि चक्रवात के तटों से टकराने के बाद इससे लाखों लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात से बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती कॉक्स बाजार के प्रभावित होने की आशंका है, जहां 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। उनमें से अधिकांश म्यांमार में 2017 की सैनिक कार्रवाई के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश भागकर आ गए थे। वहीं म्यांमार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोजा चक्रवात से पहले साल 2008 में म्यांमार में इसी तरह का एक खतरनाक तूफान आया था, जिसने दक्षिणी म्यांमार में करीब 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। वैसे किसी संकट से बचने के लिए म्यांमार में तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। म्यांमार के जुंटा अधिकारी रखाइन तट के पास के गांवों में निकासी की निगरानी कर रहे हैं, जबकि म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल ने रखाइन राज्य के लिए उसकी सभी उड़ानों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।